सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। जोशी मठ का नाम अब बदलकर ज्योतिर्मठ घोषित कर दिया गया है। अभी ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम हिमालय से परम पूज्य महाराज के मठ से ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी का टेलीफोन आया है। देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार श्री उपदेश सती जी ने भी बताया है, और भी दूसरे लोग यह सूचना दे रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने बहुत दिनों से पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने जो मांग पूर्ववर्ती सरकारों के सामने मुख्यमंत्रियों के सामने रखी थी उस पर स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय विधायक श्री महेंद्र भट्ट जी के अनुरोध पर जोशी मठ का पौराणिक नाम ज्योतिर्मठ घोषित किया है। जोशी मठ अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा, अपने शुद्ध नाम से जाना जाएगा, अपभ्रंश नाम से नहीं जाना जाएगा। हम सबको ये जानकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई है। लंबे समय से ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ये बात कहते रहे कि जोशी मठ अपभ्रंश नाम है, शुद्ध नाम ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ कर दीजिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको नहीं सुना था। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने भी, क्योंकि लगभग हर मुख्यमंत्री के काल में उनसे मिलकर पत्र व्यवहार करते हुए हम लोग ये मांग करते रहे। अब धामी जी ने इस मांग के महत्व को समझा है, और उन्होंने आज नंदप्रयाग की सभा में सबके सामने ये जो घोषणा कर दी है कि जोशी मठ अब अपने पौराणिक नाम ज्योति मठ के नाम से जाना जाएगा, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं पीठ की ओर से। हम सब ज्योतिर्मठ के पूरे देश में फैले हुए करोड़ों शिष्यों के मन में आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि परम पूज्य गुरु शंकराचार्य जी की मांग को वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने समझा, क्षेत्रीय विधायक श्री महेंद्र भट्ट जी ने मुख्यमंत्री जी के सामने इस मांग को रखा। आज मुख्यमंत्री जी और क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र भट्ट जी दोनों को हम हृदय से साधुवाद दे रहे हैं, और उनके द्वारा किए गए इस कार्य को सराहना करते हैं।